आखिर क्यों श्री कृष्ण ने धारण किया सन्यासी का रूप? आखिर कृष्ण का योगेश्वर स्वरूप का रहस्य क्या है? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तक जिया था एक तपस्वी का जीवन। श्री कृष्ण ने ये 12 वर्ष बद्रीनाथ में बिताए थे तपस्या करते हुए, और इन 12 वर्षों तक माता रुक्मिणी भी अपने श्राम से दूर तपस्या करते हुए गुजारा था। और 12 वर्षों के पुण्य स्वरूप श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी को सबसे पहला पुत्र का प्राप्ति हुआ, जिसका नाम प्रद्युमन रखा गया। कहा जाता है कि प्रद्युमन बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसे ही लगते थे। वास्तव में प्रद्युमन कोई और नहीं बल्कि कामदेव ही थे। कहा जाता है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि कामदेव देवताओं के अनुग्रह से शिवजी पर वान चलाकर उनको मोहित करना चाहते थे। लेकिन फिर शिवजी ने कामदेव को अपने तीसरी नेत्रों की अग्नि से भस्म कर दिया, और फिर बाद में ये निश्चित किया गया कि लक्ष्मी के गर्भ से जन्म लेने पर ही कामदेव को फिर से शरीर की प्राप्ति होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। माता लक्ष्मी के गर्भ से कामदेव का प्रद्युमन रूप में जन्म हुआ, और कामदेव ने नए शरीर के साथ विष्णु और लक्ष्मी को अपने पिता और माता के स्वरूप में भी पाया। अगर आपको हमारा ये छोटा सा कथा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा।